जी, कोई लड़का अगर निकाह करना चाहता है और उसके माँ बाप कहते हैं कि नहीं पहले सेट हो जाओ, करियर बना लो, तो उसने क्या करना चाहिए? जी भाई ने एक अच्छा सवाल किया। नौजवानों को उमूमन ये सवाल होता है, दिल की गहराई से भी आता है ये कि बहरहाल मैं उन पर नहीं कह रहा हूँ, नौजवानों का एक आम सवाल था, अच्छा सवाल किया उन्होंने माशाल्लाह, कि अगर नौजवान चाहता है कि उसका निकाह हो और वालदैन कहते पहले सेट हो जाओ फिर निकाह करना, ये बात सही और गलत दोनों हो सकती है हालात के अतबार से। अगर कोई नौजवान जो ये समझता है कि अगर मेरा निकाह अब ना हुआ तो मैं जिना जैसे बुरे जुर्म में गिर सकता हूँ, तो पहले निकाह करे बाद में सेट हो, इसलिए कि जिना की सज़ा तो बहुत सख्त है और जिना करने के बाद पूरी ज़िंदगी मलामत में इंसान गुजारता है, कभी अच्छी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। तो पहले वालदैन का काम है कि अगर आपको लगता है कि मैं कोई गलत कार्यों में डूब जाऊँगा निकाह नहीं होने से, तो वालदैन को बोलिए वालदैन मेरा निकाह कर दीजिए वरना मुझसे जिना हो जाएंगे। तो वालदैन का काम है इसका निकाह कर दे फिर सेट करे, और सेट होने तक जो अखराज आता है उसको देते रहे, ये भी आखिरत में आपको अजर देंगे। रहा दूसरा एक मर्द जो ये कहता है कि मुझे अभी कोई डर नहीं है कि निकाह मुझ पर फ़र्ज़ नहीं है कि मैं अगर ना करूँ तो जिना में या गंदगी में मुलविस हो जाऊँ, तो ठीक है वो थोड़ा इंतज़ार करे सेट होने का, लेकिन सेट होने को कितना वक्फ़ा लेंगे हम लोग? हमारे पास तो इंसान कभी सेट ही नहीं होता है ना। दसवीं पढ़ लो बेटा, उसके बाद तो बस सुनहरा करियर है। दसवीं होगा बेटा बस 2 साल और मेहनत, फिर तो कदम तुम्हारे दुनिया कदमों के नीचे है। फिर दसवीं होगा बेटा बस ग्रेजुएशन बेटा 3-4-5 साल का, फिर तो ग्रेजुएशन हो गया अब यहीं 25 साल हो जाता हो बेटा, बस पोस्ट ग्रेजुएशन 3-2 साल का, अब तो बस इसके बाद बस 28 साल उम्र हो जाती है उसकी ग्रेजुएशन होने तक, 25 साल उम्र हो जाती है। बस बेटा अगर PhD कर लेना तो नौकरी 50,000 की यूँ और उसके बाद शादी तो हो जाएंगी, और तब तक आधी ज़िंदगी गुजार देता, अब क्या उसकी शादी कर रहे हैं। बहुत सी बार दोस्त मजाक में एक दूसरे को बोलते भाई थोड़े दिन के लिए कैगो कर रहा चो 30 साल हो गया आधी ज़िंदगी गुजार ली, एवरेज दुनिया की एज 58 ईयर्स है, मालूम वर्ल्ड की दुनिया की एवरेज लाइफ जो इंसान जीते 58 ईयर्स है, और 30 ईयर्स बोले तो मोर देन हाफ जी चुका हो। और सही निकाह का फ़ायदा अगर इंसान को होता है तो बालिग होने के फ़ौरन बाद होता है। उसके फ़ायदे क्या बताऊँ मैं आपको, बालिग होते हैं बच्चों के निकाह करेंगे, जो वालदैन अपने बच्चों के निकाह बालिग होते करते हैं वो जल्दी रिटायर होते हैं, और उनके बच्चों की आखिरत की और दुनिया की फिक्र करके उनको जल्दी रिटायर करते हैं। मैं मिसाल देता हूँ, हमारे पास जो मोमिन एक मुसलमान रिटायर होता है तो उसकी उम्र तकरीबन 50 से 60 साल होने के दरमियान उसका बच्चा बालिग होकर एक ऐसी उम्र में आता है कि उसको सपोर्ट बने। मोर देन 50 इयर्स का जब बाप होता है तब बच्चा इस उम्र में आता है 18-20 साल की, क्या बाप का सहारा बनता है, क्योंकि 30 साल में निकाह होता है, बाप का सहारा बनता है जब तक बाप 50 साल तक मेहनत करता रहता है। आइए दूसरी कौमों की मिसाल लीजिए, तजारती कौमें हैं जो जानती है जल्दी रिटायर होने का राज क्या है, वो निकाह करते बालिग होते बच्चों का मुश्किल से 14-15 साल के अंदर निकाह कर देते हैं। जो ही 15 साल में निकाह होता है ये लड़का 30 साल होने तक अगली नस्ल इसके सपोर्ट के लिए खड़ी हो जाती है, आगे 15 साल की होकर, समझ रहा है बात को, और वो नस्ल आने तक ये बाप सिर्फ 45 साल का होता है, जब 3 नस्लें उसकी आ जाती है जो तीनों सपोर्ट के लिए खड़ी हुई उसके लिए, अब ये रिटायरमेंट ले लेता है, बोलता है बेटे और बच्चे काम कर रहे हैं, उसका निकाह जल्दी करता है, वो नस्ल तैयार होती 15 साल में। आप देखिए 2-3-4 दादा परदादा सब क्या कर रहे हैं, सोशल वर्क तंजीमें डाल रहे हैं, यतीमों के लिए यतीम खाने बना रहे हैं, फलां क्लब में ज्वाइन हो जा रहे हैं, फलां कर रहे हैं कौम के लिए, क्यों कौम के लिए कर रहे हैं, रिटायर जल्दी हुए, रिटायर जल्दी होना है तो निकाह जल्दी करवाइए बच्चों का ताकि रिटायरमेंट जल्दी मिलेगा। क्यों तो आप 30 साल में निकाह करेंगे तो उसकी सपोर्ट को अगली नस्ल कब खड़े होंगी आकर, कब सीखेंगे अपने बाप से हुनर जब वो बूढ़ा हो जाएंगे, और उसके बाद के छोटे बच्चे तो ऐसा होता है कि बाप की उम्र इतनी हो जाती है और तीसरा ही बच्चा है समझ लीजिए उम्र के उनके नंबर के अतबार से, और बाप की उम्र 70 साल होगी, क्या मिलेगा उसको उसके बाप से। होना ये चाहिए कि इनके बालिग होते निकाह कीजिए, एक नस्ल देखिए कितनी जल्दी रिटायर होती है, 40 साल के बाद कौम का लोग सोचने लग जाते हैं इनके लिए क्या करूं, इनके सड़कों का क्या करूं, इनके कचरों का क्या करूं, इनके मोहल्ले और बस्तियां कैसे अच्छी बनाऊं, हमारे पास इतना सोचने तक तो उसकी नस्ल ही नहीं आती ना, उसको सपोर्ट के लिए कोई होना रिप्लेसमेंट। तो ये बहुत अच्छा फलसफा इन तजारती कौमों ने ले लिया है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, आपको मालूम है जिनके 15-20 साल के बच्चे ऐसी तजारत करते हैं कि देख के रश करते आपके हमारा बूढ़ा भी नहीं कर पाता, इसलिए कि उन्होंने ये तरकीब को अपनाया, जल्दी जल्दी शादी करो, नस्लों को तैयार करो और रिटायरमेंट लेते जाओ जल्दी 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 जल्दी। तो बहर याद कोशिश करें वालदैन भी इस बात को समझें, बच्चों को इसके लिए तैयार करें, बच्चे भी समझें, और जहाँ तक मामला रिस्क देने का है आप करके तो देखिए, आप देखिए इसके फ़ायदे ही है, सिर्फ नुकसान नहीं होने वाला है, बच्चा आपका बुराई से बच जाएगा, उसका दीन मुकम्मल हो जाएगा, और अनगिनत इसके दुनिया में फ़ायदे, अनगिनत उखरवी फ़ायदे हैं, बस हम इसको थोड़ा समझें और इसमें करें। दूसरी गलतफहमी जो होती है वो ये है जिसकी वजह से आज निकाह कम हो रहा है, उसकी वजह भी है बता दूँ आपको, कि मैं मुझे निकाह करना है, हमारे घर में बच्चे और बच्चियाँ, समझ लीजिए मेरे पास लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं, आपके घर में भी लड़के लड़कियाँ, इनके घर में भी लड़के लड़कियाँ, उनके घर में भी है, पूरी बस्तियों के वालों घर में लड़के और लड़कियाँ दोनों हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि देखिए मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, आप चाहते हैं कि देखिए मैं शादी करना चाहता हूँ अपनी बच्ची की, आप चाहते हैं कि मैं शादी करना चाहूँ अपने बच्ची, वो चाहता है कि शादी करना उसकी पहले बच्चे की फिर बच्ची की, लड़की की पहले फिर लड़की, वो चाहते हैं कि पहले उनकी लड़की की शादी हो, मुझे बताइए इनकी शादियाँ फरिश्तों से करते
आप लड़कों की शादी भी करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियाँ जो है उसमें मैच हो रही हैं ना। हर कोई चाहता पहले लड़की की शादी हो तो लड़के करेंगे, तो मुझे बताइए लड़के मिलेंगे कहाँ से? सबने रोक के रखा लड़कों को, पहले लड़की बहन की होंगी तो भाई की करेंगे, बहन की होंगी तो हर घर समझो एक बस्ती में 10 घर है, सब बोल रहे बहन की पहले होना भाई की बाद में, तो ये भाई लाएंगे कहाँ से उनकी शादी के लिए शौहर कहाँ से लाएंगे? फरिश्तों को बोलेंगे आगे शादी करो उनसे। जाहिर सी बात है कोई तो आगे बढ़कर कहे लड़कों की करना पड़ेगी, तब उनके घर की लड़कियाँ तो फिर इनके लड़कियाँ फिर उनके लड़के, तो ये भी एक वजह है कि नहीं पहले लड़कियों की हो जाए फिर लड़कों की देखेंगे। मैं कहता हूँ जिसका नंबर आ जिसकी ज़रूरत है पहले कर दीजिए, छोड़िए लड़का हो या लड़की हो, देखिए जब ये मिजाज बनेगा ना तो इससे भी निकाह जल्दी होंगे, वरना सब चाहते हैं लड़की का निकाह पहले हो तो फिर क्या होगा? यही होने वाला है कि लड़के भी उम्र रसीदा हो रहे हैं लड़कियाँ भी, कि तो बहन की नहीं हो रही तो भाई की भी नहीं हो रही, बस बस मसला चलते जा रहा है घर। इसकी उम्र भी गुजरी इसकी उम्र भी गुजरी, क्यों दो जिंदगियाँ बर्बाद करा, एक की कर दी जिसकी हो रही। और जब लड़कों की करना शुरू करेंगे तो कहीं ना कहीं लड़कियों से इनकी शादियाँ हो रही हैं, समाज में ये मसला भी कुछ हद तक इंशाल्लाह कंट्रोल में आएंगे। इसने एक सवाल किया था।